जो दुख सुख में साथ देता है समझो वही सबसे बड़ा महान है। लेकिन मेहनत करके बनाती हैं घर संभाल के पूरा खाना पीना बर्तन कपड़ा लत्ता सब धो के देख सुन के सब उसके बाद। हेलो दोस्तों, नमस्ते प्रणाम, आप सभी का स्वागत है हमारे ब्लॉग वीडियो में। तो दोस्तों आप लोग बने रहे। दोस्तों देख लीजिए, हम आए हैं नाथ बाबा, क्योंकि यहाँ जो रिंकू प्रजापति है दीदी, उन्हीं का लड़का का मुड़न है, उसी में हम लोग आए हैं। तो दीदी बुलाई है तो दोस्तों बहुत लेट से आई हूँ, क्योंकि समय हमको हमारे पास नहीं था इसीलिए। तो आप लोग दोस्तों वीडियो में बने रहिए, मैं अभी दिखाऊंगी, दीदी से भेंट कराऊंगी और सबसे भेंट कराऊंगी। तो दोस्तों और देख लीजिए यहाँ का नज़ारा नाथ बाबा के। देखिए दोस्तों यहाँ सब लोग हैं और बहुत अच्छा लगता है यहाँ आने के बाद। दोस्तों हम लोग सब लोग बहुत आते हैं, सब घर में से आते हैं यहाँ। और देखिए दोस्तों पूरा लोग भरा है और हम सब लोग आए हैं मिल के। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए और ढेर सारा प्यार दर आशीर्वाद दीजिए दोस्तों। और चलिए हम मिला रहे हैं। तो देखिए मैं दीदी से भेंट करा रही हूँ, तो आप लोग ऐसे बने रहिए और दीदी आ गई हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते प्रणाम, आप लोग कैसे, उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। और दीदी जी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग ढेर सारा दुलार प्यार आशीर्वाद दीजिएगा। और देखिए कितना मेहनत हम लोग करते हैं। और बाबू का हमारा मुंडन था, बहुत लेट कर दिए हम, इनसे गुस्सा हो गए ये पास के रह करके इतना देर से आई है कि क्या बताएं, कुछ भी मतलब नहीं हो पाया था दोस्तों। तो फिर भी बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया हुआ और जो हो गया तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। लेकिन बहुत अच्छा लगा दीदी आ गई, उतना ही हमें बहुत अच्छा लगा कि हमें मतलब लेट से आया था, देर से आया। मतलब हाँ दीदी हमारे बारे में कुछ सोच करके आई है, हमें बहुत अच्छा लगा। दोस्तों आप लोगों का कैसा लगा, आप लोग प्यारा से एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखिए यहाँ पर आए हैं दुधनेश्वर नाथ मंदिर, नाथ बाबा हमें आए, हम भूल गए दोस्तों उसके लिए सॉरी। और घुमा करके दिखाइए कैमरा से, देख कैमरा। और दोस्तों मीना दीदी भी आई है, आप लोग सभी मिला दोस्तों देख लीजिए। और दीदी से मिल के बहुत अच्छा, चेहरा तो बहुत अच्छा आ रहा है बोलो बहुत अच्छी है। और भैया भी अच्छा है बहुत, तो बहुत ज्यादा दिन बाद मिले हैं ना हम लोग। कहीं गई थी आप? नहीं घर पे थे, एक बीचे गई थी, माइके गई थी। हाँ, वो बीचे ना सबको छोड़ के चली गई थी माइके बिहार। हाँ दोस्तों, जो ना दीदी की ऑपरेशन हुआ था, हाँ उसी समय ऑपरेशन हुआ था, तो उसी समय नहीं थी इसीलिए नहीं गई वहाँ। तो अब है तो जब रहेंगे तब तो कुछ होगा, तब तो दौड़िए जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, जो 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 लगभग लगे रह कर पास रह के भी नहीं गया। और इनका तो बात ही अलग है, तो चली गई थी माइके इनका कोई। और सब लोग जानता है क्योंकि हम बताई थी अनिता दीदी से और बोली थी कि थोड़ा बात कराओ, तो बोले कि नहीं हम हैं घर पे। तो वो आ गई थी हॉस्पिटल से घर पे। और जो दुख सुख में साथ देता है समझो वही सबसे बड़ा महान है। लेकिन जान बूझ के जो ही नहीं जाता है वो उसका बात ही अलग है, कहने से कुछ फायदा नहीं है। देख के भी लोगों को बुरा लगेगा, भैया कि ये बात को हटा दीजिए। हाँ तो ये अच्छा लगेगा नहीं? हाँ। और बताओ दीदी क्या हाल चल रहा? सब ठीक है। आज आपके भैया देखते हैं हमेशा लाइव में जुड़ते हैं, आज हम दोनों एक पास जुट गए हैं। और भैया आप देख लीजिए, ज्यादा दिन से बोल रहे थे ना कि भेंट करो भेंट करो, आज हम लोग का मुलाकात हो ही गया। और ये भी है मनी मेरा छोटा, बोल लीजिए भैया। नमस्ते नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? दीदी को सपोर्ट कीजिए आप लोग, बहुत मेहनत करके वीडियो बनाती है बहुत दीदी। हाँ बहुत ज्यादा मेहनत करती हैं और इनका है, वीडियो सब लोग देखते हैं। हलवाई जी की पत्नी है इतना मेहनत करके बनाती हैं घर संभाल के पूरा खाना पीना बर्तन कपड़ा लत्ता सब धो के देख सुन के सब उसके बाद वीडियो बनाती हैं। अब फिर भी आप लोग दोस्तों सपोर्ट नहीं करते हैं? नहीं तो ऐसा मत करिए, सपोर्ट करिए दीदी जी को। पूरा से पूरा वीडियो देख के ही कट कीजिएगा, पूरा फुल वॉच दीजिए देखकर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आप लोग देख लीजिए यहाँ नाथ बाबा, सबसे ज्यादा यहाँ हनुमान जी के बहुत ज्यादा हनुमान जी है यहाँ, देख लीजिए दोस्तों। देखिए कितना अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा है, सब देख लीजिए दोस्तों। देखिए तब तक